दोस्तों आज हम सोल लैंड सीरीज का आगे की कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि टैंगशन बिबडोंग के माइंड वर्ल्ड से बाहर आ गया था और उसके बाद वो अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर टियांडो कैंप पर लौट आता है और एम्परर सुबैंग को कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन बेहोश होकर गिर जाता है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम टैंगशन को देखते हैं जो बेहोश की हालत में था। अब वो उठ जाता है और शू को देखता है कि उसकी बगल में ही सो रही थी। अब इनके बीच एक रोमांटिक एंगल चल रहा था लेकिन तभी बाहर से अलोंग आवाज लगाकर सब खराब कर देती है। इसके बाद टैंगशन और शू सभी के पास लौट आते हैं। यहाँ पर सभी एक साथ होते हैं। टैंगशन को आता देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं लेकिन डूबू गो तो ज्यादा ही खुश होता है और कहता है कि लिटिल सन, मुझे पता था कि तुम एक कॉकरोच से भी ज्यादा पावरफुल हो, यह कैसे सब ठीक हो गया। इस पर टैंगशन हंसते हुए कहता है कि अगर तुम्हारे जैसा ओल्ड फ्रीक ठीक है तो मुझे क्या समस्या हो सकते हैं। यह सुनकर ग्रैंड मास्टर अपने सिर हिलाते हुए कहते हैं कि क्योंकि अब लिटिल सन आ गया है तो हमें अपनी कार्यवाही जारी रखना चाहिए। निंग फंग जी हंसते हुए कहते हैं कि टैंगशन ठीक हो गया है इसलिए हम पहले उसकी बात को अच्छे से सुनेंगे। यह सुनकर ग्रैंड मास्टर भी बहुत खुश हो जाते हैं। तब टैंगशन बताता है कि हम सीधा उनसे नहीं टकरा सकते हैं। इस समय बिबडोंग गंभीर रूप से घायल है। मुझे उम्मीद है कि वो 15 दिनों तक मैदान में नहीं आएगी लेकिन अंदर से ही आदेश दे सकती है। और इसी के साथ टैंगशन ऑस्कर की थर्ड सोल स्किल के बारे में बताने लगता है जो 10 मिनट तक यूज किया जा सकता है, साथ ही सॉसेज बनाने के बाद 10 दिनों के अंदर इफेक्टिव होगा और रॉन्ग रॉन्ग के हेल्प से 20,000 मशरूम बना सकता है। अगर मेरे टैंग आर्मी ने इसका यूज किया तो हर किसी के पास 2 सॉसेज होंगे। अगर मेरे टैंग आर्मी को अचानक हवा में ले जाया जाता है जबकि बाकी सेना मोर्चा पर हमला करते हैं और जेलिंग पास की दीवारों पर दुश्मन के सोल मास्टर पर अटैक करती हैं तो वो काफी अट्रैक्टिव होगा। प्रत्येक टैंग आर्मी के लिए 2 सॉसेज काफी होंगे। इतने में वो गॉडली क्रॉसबो W को 3 बार फायर कर सकते हैं और अपनी परमिशन में वापस आ सकते हैं। टैंगशन की बातें सुनकर सभी लोग ऑस्कर को देखने लगते हैं लेकिन फिर टैंगशन कहता है कि जब तक बिबडोंग घायल है यह हमारे लिए एक गोल्डन चांस है। काफी समय निकल जाता है और ऑस्कर को देखते हुए कहता है, तुम्हारे हालत को देखकर लग रहा है कि तुमने सॉसेज बनाना शुरू कर दिया है। रॉन्ग रॉन्ग ऑस्कर के साथ रहो, 20,000 सॉसेज कम नहीं है। जितनी जल्दी तुम बना सकते हो उतनी जल्दी हम अटैक कर सकते हैं। 7 दिन बाद जेलिंग पास जो कई दिनों से खामोश था जिसमें एक बार फिर से हलचल होती है। बिबडोंग पूरे 7 तक बेहोश होते हैं। हुलिना भी आ जाती है। टैंगशन की अटैक से बिबडोंग के सोल भी घायल हो जाती है। टैंगशन को लगातार यह 15 दिन में ठीक हो जाएगी लेकिन वो 7 दिन में ही होश में आ जाते हैं लेकिन वो फिर से बेहोश हो जाती है और आखिरी 2 दिनों में काफी सुधार हुआ होता है। तभी बिबडोंग हुलिना को चिंता ना करें की कहती है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं हुलिना के ऑर्डर के साथ सभी एक साथ हो जाते हैं। हुलिना दीवार से दूसरी तरफ गौर से देख रही थी मानो वह कुछ ढूंढ रहे हो। इस तरफ टैंग आर्मी भी तैयार हो जाती है। सभी के बीच में टैंगशन होता है। सभी टैंगशन को देखकर फील कर रहे थे जब तक टैंगशन उसके साथ है वो युद्ध को नहीं हार सकते हैं। दोनों ही सेना एक दूसरे से गुर नहीं होती है। टैंगशन ने एक बार फिर से सी गॉड लाइट एक्टिव किया होता है जिसके बाद फिर से टैंगशन को गोल्डन लाइट ने चमका दिया होता है। टैंगशन जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि हेवन डू एम्पायर इज विक्ट्री। यह सुनकर आर्मी भी यही कहने लगते हैं। यह देखकर हुआन एम्पायर के लोग डर जाते हैं। जेलिंग पास के प्रोटेक्टर को तो छोड़िए, यहाँ तक कि हुलिना के 5 ग्रैंड सोल मास्टर के भी थॉट बदल जाती है। टैंगशन पलक झपकते ही जेलिंग पास के पास आ जाता है। सी गॉड ट्राइडेंट को और भी करीब आते हुए देखकर सभी लोग डर जाते हैं और डर तो इनकी दिल में घर बना दिया होता है। वो हुलिना से पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तब हुलिना उन्हें ब्लॉक करने के लिए कहती हैं। हुलिना टैंगशन को दूर से देखा तो वो पहले ही खाय के पास आ रहा था। इसे देखकर वो कहती है, टैंगशन तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। यह सुनकर टैंगशन रुक जाता है और अपनी ब्लू सिल्वर एम्परर स्पिरिट को एक्टिव करता है। पूरे 9 सोल रिंग दिखाई दिया देता है। साथ ही साथ पीछे से रॉन्ग रॉन्ग भी इसको बूस्ट कर रही होती है। टैंगशन की लेफ्ट लेग जमीन से टकराती है। लेफ्ट लेग के नीचे एक तेज एनर्जी का धमाका होता है और उसकी पैर की चारों ओर जमीन एक साथ 30 मीटर की डायमीटर में फट गए होते हैं जिससे हम टैंगशन की पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। फिर टैंगशन ट्राइडेंट को बाले की तरह पकड़कर सीधे ही जे गेट की ओर फेंकता है।
यहाँ पर टैंक्शन ने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज किया होता है और ट्राइडेंट अपने ही वजन के साथ एक बहुत बड़ा धमाका करता है जिससे जेलिंग पास का दूसरे गेट पूरी तरह से दबा हो जाता है। इस धमाके की वजह से कम 100 सैनिक बहुत बुरी तरीके से घायल होते हैं और उनकी बॉडी भी नहीं बची होती है, जिसे देखकर हुलिना चिल्लाते हुए कहते हैं कि जल्दी करो, उसे रखो। बाकी के पांचों ग्रैंड सॉल मास्टर सिर्फ एक दूसरे को ही देख रहे थे, उनमें से कोई हिलता भी नहीं है। जब वो एक बार सी गॉड ट्राइडेंट के पावर को देखा, वो फाइट करने की हिम्मत नहीं की। यह देखकर हुलिना गुस्से में आ जाते हैं, ये एल्डर उसके आदेश को नहीं मान रहे हैं। तभी फिश मास्टर कहता है, अच्छा होगा कि हम दीवारों के सुरक्षा पर भरोसा करें, अगर टैंक्शन गेट को तोड़ देता है तो हमारे अंदर एंजल आर्मी है और सीक्रेट ड्रैगन आर्मी है, इससे टैंक्शन को और ज्यादा नुकसान होगा। इसके बाद हुहन एम्पायर के आर्मी तीरों से टैंक्शन पर अटैक करते हैं, लेकिन इससे टैंक्शन कुछ घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद लगातार चार अटैक के बाद टैंक्शन दोबारा से ट्राइडेंट को पकड़ता है और गहरी सांस लेता है। वही दूसरी तरफ सुबैंग के इशारों पर मार्शल जिलांग आर्मी को अटैक करने के आदेश दे दिए होते हैं, साथ ही अपनी लंबी तलवार उठाए कम से कम 200,000 सैनिक होते हैं जो आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और इसके अगले सीन में स्वॉर्ड मास्टर अपने तलवार से सोल्जर और गाय पर अटैक करता है। इसके बाद टैंक्शन ने फिर से एक बार ट्राइडेंट को फेंका, लेकिन इस बार सभी लोग चौंक गए होते हैं। अब टैंक्शन की पावर पिक लेवल पर पहुंच गई होती है। हुहन एम्पायर के सेना चुपचाप यह सब देख रहे होते हैं और वो ट्राइडेंट जाकर पानी में गिर जाता है। जैसे ही गोल्डन लाइट पानी में एंटर होती है, दोस्तों टैंक्शन एक सी गॉड की सक्सेस है, इसीलिए वो ट्राइडेंट से पानी को कंट्रोल कर सकता है। तभी ट्राइडेंट के मदद से सारी पानी को जेलिंग पास के अंदर छोड़ देता है। यहाँ पर टैंक्शन ट्राइडेंट के वाटर कंट्रोलिंग एबिलिटी के साथ में वेस्ट सी पिरामिड के ड्रैगन वेब एबिलिटी का यूज कर रहा होता है। इसके बाद हवा में उड़ते हुए कहता है कि अटैक करो। दूसरी तरफ हुलिना भी यही कहते हुए ऑर्डर देती है, लेकिन उसकी आवाज टैंक्शन की आवाज से कमजोर लग रही थी। और इसी बीच टैंक्शन अपनी डेप्थ गॉड डोमेन को एक्टिव करता है, जिसे देखकर हुलिना के सभी स्पिरिट मास्टर अपनी स्पिरिट को रिलीज करते हैं। कौमा हुलिना जोर से चिल्लाती है, यदि आप लोग कुछ नहीं करते हो तो जेलिंग पास दबा हो जाएगा, अगर आप सभी मर भी जाते हो तो भी आपको इनको रोकना होगा। यह सुनकर सभी मास्टर अपने मन में सोचने लगते हैं, जब हम बिबडोंग के साथ थे तब भी हम नहीं जीता, अब क्या जीतेंगे। तभी पीछे से बिबडोंग की आवाज लगाती है। यह सुनकर सभी स्पिरिट मास्टर टैंक्शन पर अटैक करते हैं और दूसरी तरफ टियांडो आर्मी और टैंग आर्मी हवा में उड़ कर आ रही होती हैं। और यह कहने के साथ ही हमारा एपिसोड यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।